हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं बिंदर सिंह, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक यूनिवर्सिटी अलवर से एक लिंक आया था हमारे जीमेल आईडी पे, तो हमने वो चेक किया तो उसमें एक सर्टिफिकेट का था। तो आज हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसका जो सर्टिफिकेट है वो कोई भी मंगवा सकता है। सभी स्टेट को स्वतंत्र है, सभी स्टेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सभी जो वहाँ के युवा थे, युवा पीढ़ी, वो सभी इसमें भाग ले सकती है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन है। वो एक क्वेश्चन है जो 10 नंबर का, एक्यूरेट सही जवाब होगा तो 100 नंबर का बनेगा। अगर 50 50, तो 50 में जो नंबर लेके आएगा वो फेल में माना जाएगा। 60% तो अनिवार्य है। अगर 60% से आप ऊपर लेके आते हैं उसमें नंबर, तो 60% से जो ऊपर लेके आएगा सभी के बन जाएगा सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखें और फॉलो करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए राजस्थान अलवर यूनिवर्सिटी से और एक लिंक आया था हमारे पास, तो बहुत ही अच्छा है। तो उसमें मतलब कोई भी युवा पार्टिसिपेट कर सकता है और उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा बाकायदा। ठीक है, पासिंग मार्क का। ठीक है, तो असम के जो स्टेट हैं उसके क्वेश्चन आएंगे सभी, तो आपको उनका आंसर देना होगा। ठीक है, तो हम एक ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। आप कोई से ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं, बाकी मैंने ऑलरेडी पहले किया हुआ, तो मैं एक दूसरा अप्लाई करके दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो एक यहाँ से हम थोड़ा पीछे चलते हैं, ये ऑलरेडी खुला हुआ है। ओके, तो हम पीछे चलते हैं यहाँ से, बीच में से। तो यहाँ पे गए, यहाँ पे टिक मार्क किया, लिंक को पेस्ट किया। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नीचे से आप उस लिंक पे जाके, तो इस तरीके से बैनर शो होगा आपको। ठीक है, बैनर शो होने के बाद सबसे पहले आपको ईमेल आईडी देनी होगी। ओके, ईमेल आईडी देने के बाद में आपको उसमें फर्स्ट नाम देना होगा, जिस तरीके से हम दे रहे हैं इसमें, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो इसमें इस तरीके से। उसके बाद आप इसमें से चूज कर सकते हैं, आप कौन से उसमें से हो, तो आप ये चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो सिटी, आप सिटी चूज कर सकते हो, आपकी जो सिटी है। ओके, तो हम चूज कर भरतपुर। ओके, तो नेक्स्ट पे ओके करते हैं। तो नेक्स्ट में ओके करने के बाद में सबसे पहले यही ऑप्शन आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो आसाम निम्न में से किन दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो वो भूटान और बांग्लादेश आप टिक मार्क कर दें। उसके बाद प्राचीन काल में असम को किस नाम से भी जाना जाता था, तो प्राग्ञज्योतिषपुर। उसके बाद आता है कि असम के राज्य पशु का नाम कौन सा है, तो गेंडा है। निम्नलिखित में से कौन असम के पहले मुख्यमंत्री थे, तो उसके पहले जो मुख्यमंत्री थे वो गोपीनाथ ये थे। ओके, उसके बाद में निम्न में से फसल है जो असम के विश्व में प्रसिद्ध है, जो वो चाय की है। 1973 से पूरा असम की राजधानी कौन सी थी, शिलोंग। और असम की सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो ब्रह्मपुत्र है। और असम के महत्वपूर्ण संगीतकार जिन्हें भारत के रत्न से सम्मानित किया गया था वो है भूपेन हजा रिका। तो ये जो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, देखो ये आपको ऐसे टिक मार्क करना होगा। बिल्कुल ऐसे टिक मार्क करोगे तो आपका भी उतने परसेंट का ही एक सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से टिक मार्क कर लें, बाकी मेरे हिसाब से तो सही है। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे टिक मार्क कर लें। और उसके बाद आता है कि आसाम की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। आसाम के महत्वपूर्ण संगीतकार जिन्हें भारत से सम्मानित किया गया था वो भूपेन हाजिरा का है। और उसके बाद असम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो वो काजीरंगा है। उसके बाद आता है कि असम का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, बिहू। तो यहाँ पे आप सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद में थोड़ा ही वेट करना पड़ेगा आपको, 3 से 4 मिनट या 5 मिनट। तो आपके पास एक
मेल पे नोटिफिकेशन आएगा जिस पे आपका सर्टिफिकेट बाकायदा भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। स्कोर चेक करने के लिए आप यहाँ से अपना चेक कर सकते हैं कि आपके जो स्कोर है वो कितना था, सही है या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करते जाइए, और मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इनके, और आप इनको अच्छे नंबरों से आप बनवा के, और क्या पता भविष्य में इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड होने लगे, तो इस तरीके से ये देखिए स्कोर हो चुका है। तो चलिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, ओके, रिफ्रेश कर लें आप, और हम थोड़ा पीछे चलते हैं। पीछे चलने के बाद में हम अपना मेल ओपन करते हैं, शायद हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया हो, तो हम उसको, हमारे पास 2 जीमेल चल रहे हैं तो हम अपना चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कुछ आया नहीं है फिलहाल में नोटिफिकेशन, ऊपर की तरफ लिंक आ चुका है जो ऊपर दिख रहा है, ठीक है, सर्टिफाइड ईमी है, ठीक है। तो इस पे ओके करते हैं, देखिए। और अभी हमने थोड़ी देर पहले एक, तो यहाँ से आप डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे डाउनलोड कर दें, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद में जस्ट ही थोड़े टाइम लगेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। यहाँ पे ओके करें तो आप चूज कर सकते हैं अपने मोबाइल से ड्राइव PDF व्यूअर कर सकते हैं या MI PDF, क्योंकि हमारा MI का मोबाइल है इसलिए हम MI को यूज करते हैं, बाकी आप अपने मोबाइल से हिसाब से PDF को ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए देखिए ऑनलाइन ये सर्टिफिकेट थोड़े ही टाइम में आपको मिल गया, तो ये काफ़ी अच्छा समाचार है और सबके लिए मतलब अच्छा है, और कुछ ना कुछ आपको इसमें सीखने को मिलता है, और प्रतियोगिता में आपको देखो क्वेश्चन भी याद करने को, और जो मैंने सेम बताया वो सेम क्वेश्चन है सेम, मतलब आप 100% का जो पासिंग मार्क वाला स्कोर वाला बनवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, आपको कुछ भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, और ये बाई ईमेल आपका सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, तुरंत ही कुछ ही टाइम में, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 5 मिनट लगते हैं, क्योंकि वो भी एक बार वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं सभी रिजल्ट को, और उसके बाद तुरंत भेज देते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि कभी ना कभी भविष्य में इस चीज़ की अगर आवश्यकता पड़ती है आपको, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं भविष्य में, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी सूचना थी और समाचार था आपके लिए, तो बस इतना ही बताना चाहेंगे, आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कुछ ना कुछ सभी को फायदा मिल जाए। आने वाले भविष्य में पता नहीं क्या हो सकता है कि इस सर्टिफिकेट का कोई मोल हो, कुछ ज्यादा ही अहमियत देखिए सर्टिफिकेट, तो इसलिए सभी को बता दें और सभी सर्टिफिकेट इसको बनवा लें, और एक फोन से आप इसको अलग अलग ब्राउजर से 2 सर्टिफिकेट बना सकते हो, जैसे आपके फोन में 2 ब्राउजर है तो आप अलग अलग जीमेल डालकर Gmail ID, तो उससे आप 2 सर्टिफिकेट अलग अलग बनवा सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, और सभी को फायदा मिले।